हाँ तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं पोको F4 GT की। तो ये फ़ोन आज ग्लोबल लॉन्च हो गया है, तो यहाँ पर हम लोग बॉक्स में देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मिलता है पोको, इसके अंदर देख लेते हैं हम लोग को क्या मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग को सिम इजेक्टिंग टूल देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारा पेपर है, इसको तो साइड में रखते हैं। ये देखिए छोटा सा पाउच मिला है, देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है हम लोगों को। तो ये एक मिनट ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हम लोग को मिल जाता है यहाँ पर एक कनेक्टर, तो ये काफ़ी अच्छा किया यहाँ पर पोको ने। और सिलिकन बैक कवर है, क्वालिटी नॉर्मल है, ज़्यादा खास क्वालिटी नहीं है जैसा कि इनके फ़ोनों में होता है नॉर्मली, तो इस बार भी क्वालिटी कुछ खास नहीं है। चलिए इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं हमारा मेन सेट। तो ये हमारा मेन सेट, देखने में तो काफ़ी ऑसम लग रहा है। लिखा है पोको F4 GT और यहाँ पर कुछ स्पेक्स लिखे हैं, पीछे से तो काफ़ी प्यारा लग रहा है। मैंने आपको बताया था K50 का ये रीनेम वर्जन होगा, तो ये वही है, K50 है बिल्कुल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रिपल कैमरा आपको सेटअप दिया हुआ, थंडर का यहाँ पर आपको फ्लैश देखने को मिल जाता है थंडर स्टाइल का, और काफ़ी अच्छा। इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर हम लोग और क्या मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग को चार्जर देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर केबल देखने को मिल जाती है। केबल की क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, और ये जो स्टाइल दिया गया ये भी बहुत अच्छा है। एल साइज जो ये स्टाइल दिया गया है, एल शेप का, ये चार्जिंग गेमिंग के दौरान बहुत ही अच्छा, मतलब आराम से आप गेमिंग कर सकते हो। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 4700 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी मिल जाती है, क्विक चार्जिंग सपोर्ट करता है। 120W का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल जाता है, USB Type-C आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको बैटरी से कोई शिकायत नहीं होने वाली है, फ़ोन काफ़ी दमदार है। और अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 8th Gen प्रोसेसर मिल जाता है, जो Arduino 730 GPU के साथ आता है। 4 nm फैब्रिकेशन है, 64-bit का आर्किटेक्चर है। रैम टाइप LPDDR5 मिलती है। स्टोरेज टाइप में आपको UFS 3.1 मिल जाता है। कस्टम UI में MIUI मिलता है, एंड्रॉइड 12 पे जो बेस्ड है। तो परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी तगड़ी है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिलती है, 395 PPI पिक्सल डेंसिटी मिल जाती है। स्क्रीन प्रोटेक्शन में आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स देखने को मिलता है। HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है। 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स देखने को यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर कैमरे की बात करें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाता है, 64 MP का वाइड एंगल कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का आपको यहाँ पर कैमरा देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको 20 MP का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है। तो कैमरे का यहाँ पर सेटअप जो है काफ़ी सही दिया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की, तो डुअल सिम आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। सिम साइज नैनो है दोनों ही का। नेटवर्क सपोर्ट में आपको 5G 4G प्लस 3G 2G देखने को मिल जाए। वोल्टी सपोर्ट करता है, NFC आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर आपको साइड में देखने को मिलता है। ऑडियो जैक में आपको USB Type-C देखने को मिल जाता है, इसीलिए यहाँ पर कनेक्टर भी दिया गया है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करते हैं यहाँ पर AnTuTu बेंचमार्क, तो यहाँ पर 935011 आपको पॉइंट मिल जाता है, जो काफ़ी तगड़ा स्कोर है यहाँ पर। और 8th Gen प्रोसेसर है, तो आपको परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसकी जो प्राइस होगी वो तकरीबन यहाँ पर 29,500 के आसपास हो सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो 30 लाख से ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।